तो फिर यहां तक बता दिया था, ये क्या हो गया जीरो, ये सेंट्रल लाइट पिन जिसको फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं कहेंगे, फर्स्ट ब्लैंक पिन कौन होगा, फर्स्ट ब्लैंक पिन या ये होगा और ये होगा क्योंकि सेंट्रल के जस्ट बगल वाला फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड ब्लैंक पिन, सेकंड ब्लैंक पिन, फिर उसके बाद क्या आता है थर्ड फोर, इस तरह से कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा। ये हमने ब्लैंक पिन के लिए देखा था, अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में देखते हैं कि वह पी जहाँ पे पॉइंट जो हमने पी आर्बिट्री पॉइंट माना है वो पी क्या है डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो सेकेंड केस देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना हो जाएगा, टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू, टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाय टू, लेकिन पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है एच स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को क्या होगा, एन इज इक्वल टू वन रखो, मानी क्या हो सकता है लैम्डा बाय टू होगा, या तो क्या होगा थ्री लैम्डा बाय टू, या तो फिर क्या होगा फाइव लैम्डा बाय टू, इस तरह करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है एनएफ डार्क फ्रिंज, एनएफ डार्क फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, एच एल एल स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू। तो हाइट ऑफ एनएफ, हाइट ऑफ एनएफ डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा, टू एन माइनस माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय टू टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, ठीक है, टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय टू टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, ठीक है। अब हम देखो, ये देखो, अब यहाँ देखो, ये कितना कहाँ पर आ गया हम, ये डार्क फ्रिंज के लिए है और ब्राइट फ्रिंज के लिए हम देखो, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा क्या था एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट हमारा था लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पर, और ये की साइड पर है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये देखो जब n इक्वल टू हम 1 पॉइंट करेंगे तो ये आ जा रहा है फर्स्ट जो डार्क फील्ड आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 डी, और ये राइट आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा का फर्स्ट राइट पर ये डार्क कहां पर आ रहा है कहीं यहां बीच में आ रहा है। तो ध्यान में रखिएगा राइट राइट के बाद डार्क डार्क के बाद फिर राइट फिर डार्क फिर राइट फिर डार्क ऐसे चलते रहेगा, ये राइट है यहाँ पर डार्क होगा फिर राइट डार्क फिर यहाँ डार्क फिर यहाँ क्या होगा डार्क फिर राइट डार्क ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। राइट डार्क ऐसे करके चलता रहेगा, एनएफ एनएफ डार्क फिर देखना चाहो या सेकंड डार्क फिर देखना चाहो या थर्ड डार्क फिर फोर्थ डार्क फिर वो हम एन की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमें शुरुआत के क्लास में क्वेश्चन आया था हमारे पास यहाँ पर था टू एन प्लस वन तीन था टू एन माइनस वन था, हमने क्या उठाया था टू एन माइनस वन, तो वहां पर यह क्वेश्चन आया था घर में क्या था टू एन प्लस वन हम टू नहीं ले सकते, तो देखो टू एन प्लस वन लेने से हमें गलती नहीं होगा, लेकिन अगर टू एन प्लस वन ले लेंगे तो हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एन इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n इक्वल टू 1 आसानी से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए हम 2n माइनस 1 को प्रेफर करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जैसे अगर
सेम ही है ओके 2n माइनस 1 के केस लेकिन 2n प्लस 1 के केस में आपको क्या लिखना पड़ता 6 लिखना पड़ता और लिटिल बिट कंफ्यूजन आ जाता है ठीक है इसलिए हमारा जो मेरे हिसाब से देखकर जानने का ऑप्शन कर चुके हैं 2n प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी लिखे वो आप जान चुके हैं लेकिन हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लिखेगा तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा ठीक है यहां तक क्लियर समझ में आ रही है तो चलिए यहां तक जो है नोट कर लीजिए ठीक है ये किसका है यहां पर मुझे बैक बैक एंड में तो डाल ठीक है 2 टाइम माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी नोट डाउन कर दीजिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फिक्स है फिक्स है ठीक है फिक्स है से हम फिक्स है को वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी चौड़ाई क्या ठीक है फिक्स है को हम कैसे मेजर करेंगे देखिए यहां पर क्या पर रिप्रेजेंट करता हूं देखो रेड कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप को ठीक है और ये ब्लैक कलर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे टाप पिच कैसे बनता है किस तरीके से रहता है तो जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा उस तरह से मैं तो देखो होता क्या सबसे ज्यादा ब्राइटनेस क्या होता है सेंटर पर रहता है ठीक है सेंटर पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रहता है फिर धीरे धीरे इधर ब्राइटनेस क्या होता है डिक्रीज हो जाता है फिर डिक्रीज होते होते क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज होते होते यहाँ पर डार्क का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है डार्क का फॉर्मेशन होता है पूरा डार्क हो जाता है फिर वहां से धीरे धीरे ब्राइट का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब एक ही इंटेंसिटी का नहीं रहता यहाँ का सबसे ज्यादा हाई ब्राइट धीरे धीरे डिक्रीज होते हो तो होते ये हाई डार्क होगा फिर डिक्रीज करते करते हाई ब्राइट हो जाएगा ठीक है ये चीजें आप लोगों को भी नहीं दिखाई अभी आपको प्रैक्टिकल में या आपको ग्रेजुएशन में करेंगे या कक्षा वगैरह से ग्रेजुएशन में किए तो वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं या आपको फिर मास्टर डिग्री में ठीक है अब देखो अब हमें क्या होता है फिंच ब्रिज फिंच ब्रिज एक इसको मान लो ये सेंटर वाला है सेंटर का है और इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं ये ना फर्स्ट होता है सेकंड होता है ये फर्स्ट ब्राइटनेस है सेकंड ब्राइटनेस अब हमको फिंच ब्रिज का ब्राइट फिंच फाइंड करना है ब्राइट
तो इन दोनों के हाइट का ये एन एफ डार्क हो गया और ये एन माइनस वन एफ डार्क हो गया और ये छठा है तो ये पांचवा डार्क ठीक है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो डार्क हाइट है उसका डिफरेंस लेंगे यही क्या आ जाएगा विड्थ ऑफ राइट हैंड। समझदार एक राइट हैंड का डार्क ऊपर वाले का डार्क उससे नीचे वाले का डार्क उन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो वहां से जो रहेगा वो ब्राइटनेस क्योंकि देखो होता है यहाँ मैक्सिमम डार्क हो गया फिर धीरे 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 ब्राइटनेस इंक्रीज करते गया फिर यहाँ तक मैक्सिमम ब्राइट पर पहुंच फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता गया मैक्सिमम डार्क हो गया तो दो डार्केस्ट पॉइंट के बीच का जो लेंथ रहता है उसे हम क्या करते हैं ब्राइटनेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ ब्राइटनेस nf dark minus h n minus 1 nf dark ठीक है nf dark minus n minus 1 nf dark ठीक है। तो nf dark का height क्या हो जाएगा यहाँ पर अभी हमने लिखा है 2n minus 1 2n minus 1 lambda by 2t into capital D यही का ये क्या था nf dark का हो गया 2n minus 1 lambda into capital D by 2d और n minus 1 n dark लिखने के लिए यहाँ का 2 into n minus 1 अब n की जगह पर n minus 1 हो जाएगा ना यहाँ minus 1 lambda capital D by 2d धीरे से काम करो lambda capital D by 2d को common ले लो यहाँ इससे मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n minus 1 ये वाला 2n minus 1 ये अंदर क्या जाएगा n माइनस टू इससे ये 2n माइनस टू प्लस 1 ठीक है ठीक है। ये देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया ये प्लस 2n माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बचेगा यहां क्या आ गया लेफ्ट हैंड कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अरे फिर और राइट पिच क्या हो गया लैम्ब्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी फिर तो राइट पिच क्या हो गया लैम्ब्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इसे एकदम ध्यान में रखिएगा ये सिर्फ राइट पिच का नहीं यही डार्क पिच होगा यही पिच विड्थ होगा ठीक है जो राइट पिच का ये विड्थ है विड्थ माने कि ये जो राइट पिच का वही डार्क पिच जो होगा पिच विड्थ भी बोला जाएगा तो यही आएगा ठीक है। चलो अब हम यहां पर पेन ब्रेक कर देते हैं अब इसका भी जरूरत नहीं है बड़ी बात आगे का उसे और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ से आने का चांसेस बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि उसी तरह से सेम प्रोसेस अप्लाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ डार्क इंस्टीट्यूट ऑफ डार्क विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मतलब क्या होगा आप किसका माइनस करेंगे एन एफ ऑफ ब्राइट माइनस एन माइनस वन एफ ऑफ ब्राइट एच ऑफ एन एफ ऑफ ब्राइट एन माइनस वन एफ ऑफ ब्राइट ठीक है। एनएफ ऑफ ब्राइट क्या लिखेंगे कितना क्या लिखेंगे एन कैपिटल डी एन लैम्ब्डा कैपिटल डी का स्मॉल डी एन लैम्ब्डा कैपिटल डी यहां पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन लैम्ब्डा कैपिटल डी का स्मॉल डी तो यहां से आपका आ गया कैलकुलेशन करेंगे डार्क फ्रिंज जो आ गया वो कितना आ जाएगा एन एल वाला तो कैंसिल हो जाएगा सिर्फ लैम्ब्डा कैपिटल डी का स्मॉल डी यही आ गया लैम्ब्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी चाहे किसी का भी फ्रिंज विड्थ हो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है
लैम्डा के ऊपर कैपिटल डी और स्मॉल डी के ऊपर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपको जब भी बोला जाएगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डार्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्राइट और इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल फ्रिंज तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू सेंट्रल फ्रिंज विद सेंट्रल यानी कि सेंटर वाला, ठीक है, सबके इक्वल टू क्या होगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जैसे कि सपोज द इंटरफेरेंस का ये बना हुआ ये स्क्रीन है, मैं गैप बना दे रहा हूं, जैसे कि ये सेंटर ब्राइट है, ठीक है, सेंटर ब्राइट है, ये हो गया सेंटर ब्राइट, हो गया ये डार्क, हो गया यहां पे डार्क, ये भी डार्क हो गया, एक मिनट, ये डार्क, ये ब्राइट है, ये ब्राइट आ गया। अब हमको यहीं से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, अब देखो अगर ये जीरो है यहां पर इंटेंसिटी कोई नहीं है, ये सेंट्रल पॉइंट है यहां पर जीरो है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है यहां पर क्या हो गया जीरो हो गया, ओ है यहां पर डिस्टेंस, यहां पर हमने ओ रिप्रेजेंट किया था उसमें सेंट्रल पॉइंट, अब सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ क्या है ब्राइटनेस, अब ये ब्राइटनेस जो रहता है यहां पर पहुंचता है डार्क के मिडिल तक पहुंचता है, यानी यहां पर क्या होगा इस पॉइंट पर ब्राइटनेस है, यहां पर क्या आ जाएगा डार्क, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर डार्क, ये क्या हो जाएगा डार्क, ठीक है, आगे देखते हैं, फिर ये रहा ये यहां क्या हो गया ब्राइट, देखो ब्राइट डार्क, अब ये यहां पहुंच गया ब्राइट, ये फिर क्या हो गया डार्क, ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा डिस्टेंस कितना था डी कैपिटल लैम्डा बाय स्मॉल डी, यही था, तो ये यहां से यहां तक का जो सेंटर से यहां तक होगा डी कैपिटल लैम्डा बाय टू डी, इधर हो जाएगा इधर भी कितना हो जाएगा डी कैपिटल लैम्डा बाय टू डी, तो कि विड्थ कितना था कैपिटल सॉरी डी कैपिटल डी लैम्डा बाय डी, विड्थ का इसका ब्राइट फ्रिंज का, तो सेंटर से इधर आपकी दौर इधर था,
अब देखिए फर्स्ट डार्क फ्रीज आया, डी लैम्डा बाय 2 डी पर देखिए पीछे फर्स्ट डार्क फ्रीज आया, इधर भी फर्स्ट डार्क फ्रीज आ रहा है। उसी तरह से हम यहां से कर देंगे, ये क्या हो जाएगा डी लैम्डा बाय 2 डी। अब देखो फर्स्ट जो ब्राइट फ्रीज है वो कैपिटल डी लैम्डा बाय डी के ऊपर फर्स्ट डार्क फ्रीज ब्राइट फ्रीज आ रहा है, तो ये जो गैप है उस तरह से क्या है आगे बढ़ते जाएगी। यहाँ की जो इंटेंसिटी, यहाँ की जो लाइट एनर्जी जो सारा यहाँ पर ले लिया गया, यहाँ पर खाली हो गया तो डार्क हो गया, तो इस तरह से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा या तो दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस। Defined as the distance between successive maxima or defined as the distance between two successive maxima or minima. You can cover all the screen. Bandwidth की value कितनी आ गई थी? W equal to capital D lambda by small d. Capital D lambda by small d. अब देखो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये तीन तीन फैक्टर के बीच डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहला ये किसके बीच डिपेंड कर रहा है, लैम्डा के ऊपर। दूसरा ये स्लिट्स डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और ये क्या आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यही घुमाता है और यही घुमाता है लैम्डा वेवलेंथ के ऊपर। तो बताइए तुम दोनों के बीच जो रहता है ज्यादा किसका बनेगा, रेड लाइट का या ब्लू लाइट का? रेड लाइट का बनेगा, तो उसका वेवलेंथ क्या है ज्यादा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिए, नॉर्मली जब हम लाइट को जब हम इंटरफेरेंस बनाने के लिए यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट का यूज नहीं करते, व्हाइट लाइट का यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें सात कलर होते हैं, सातों का वेवलेंथ अलग अलग, जब सातों का वेवलेंथ अलग अलग रहेगा तो सब अलग अलग हाइट का पैटर्न बनाने का फॉर्मेशन करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, कहीं रेडिश दिखेगा, कहीं ब्लूइश दिखेगा, कहीं एमरेज दिखेगा, और फिर धीरे धीरे घूमना